वेलकम टू बोलिए ना, रियल लोकेशंस, रियल पीपल, टफ क्वेश्चंस। हाय हाय हाय, तो नजदीक आएंगे तो मास्क हटाएंगे अपन प्लीज। नो, ओके। आज जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ओल्ड फैशन, थोड़ा दकेनुसी लगेगा। ईयर 2021 में भी लोग दहेज ले रहे हैं। अब ये सुनते ही बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि स्ट्रीट पे आम आदमी की क्या राय है, तो आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो दहेज प्रथा के खिलाफ हूँ और दहेज नहीं लेना चाहिए। वेरी नाइस, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूथ। दहेज मतलब आज की डेट में तो फुल्ली आउटडेटेड हो जाना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमारे समाज में। बिल्कुल सही कहा, तो आप दहेज के खिलाफ? मैं दहेज के खिलाफ हूँ, दहेज नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई दहेज दे, जैसे पिताजी अपने बेटी को एसी गिफ्ट कर देते हैं, तो उनकी बेटी एसी में रहेगी, ठंडे ठंडे हवा में रहेगी और आराम से रहेगी, चिल करेगी। मैंने तो ऑफिस चला जाना है। वो अगर अपनी बेटी को फ्रिज देते हैं तो ठंडा पानी कौन पिएगा? उनकी बेटी ही पिएगी, दिन भर घर में रहेगी, मुझे क्या, मैंने तो ऑफिस चला जाना है। वो अगर अपनी बेटी को स्कूटी देते हैं तो उनकी बेटी ही घूमेगी, इधर उधर जाने में आने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रबल नहीं होगी, बेटी ऐश करेगी, मैंने क्या, मैंने तो ऑफिस चले जाना है। अगर वो अपनी बेटी को फ्लैट में देखते हैं कि नहीं, फ्लैट में नहीं रह सकती, वो बंगलों में रहेगी, वो उसको बंगला गिफ्ट कर देते हैं, तो कौन राज करेगी? उनकी बेटी राज करेगी, मैंने क्या, मैंने तो ऑफिस चले जाना है। बिल्कुल सही, आपने तो ऑफिस ही चले जाना है। तो आप दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। तो अब मैं ऑफिस जाऊँ जी।